हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे इस कैक्टस के बारे में। ये है ऑस्ट्रेलियन कैक्टस और ये मेरे पास एक साल से है। फ्रेंड्स, ये जो आप छोटी छोटी रेड डॉट्स देख रहे हैं, ये इसके न्यू ब्रांचेस हैं, न्यू लीव्स हैं, जो कि इस तरीके से ग्रो होती हैं। छोटी छोटी रेड डॉट्स इस पे बन जाती हैं लीव्स पे, तो वही न्यू लीव्स बनती हैं। मैंने इसको मिट्टी के पॉट में लगाया हुआ है और ये विंटर्स में थोड़ा टूट गया था। इसकी जो ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, जो भी आप कहते हो, वो टूट के गिर गई थी, तो मैंने उनको ऐसे ही पड़ा रहने दिया इसमें पॉट में ही, सॉइल में ही। एंड अब ये रेनी सीजन में ग्रो हो रहे हैं फ्रेंड्स। इसकी जो लीव्स ब्रांचेस हैं वो ग्रो हो रहे हैं। एंड ये देखिए, ये वही 3 रेड डॉट्स हैं जो अब थोड़ी बड़ी हो चुकी हैं। न्यू ग्रोथ इसमें स्टार्ट हो रही है। ये देखिए, ये इसकी लीव्स ब्रांचेस हैं जो सॉइल में पड़ी हुई हैं, और इसमें छोटे छोटे पप्स भी निकल रहे हैं इसकी लीव्स में। ये देखिए, ये जो कैक्टस है फ्रेंड्स, ये रेनी सीजन में खुद ग्रो होने लग जाता है। इसमें न्यू ग्रोथ आने लगती है, छोटे छोटे पप्स निकलने लगते हैं, छोटी छोटी लीव्स ब्रांचेस। इसको किसी भी तरीके की फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ही इजीली सॉइल में ग्रो हो जाता है, वो भी सिंपल सॉइल में। मैंने इसमें कोई अलग तरीके से खाद वगैरह कुछ नहीं डाला है सॉइल मिक्स में। सिंपल सॉइल है, सैंडी सॉइल, और उसमें मैंने थोड़ा गोबर की खाद इसमें डाली थी, बस उसी से ही ये बहुत अच्छे से ग्रो कर। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी, ग्रीन ग्रीन लीव सारी। एंड ये देखिए, ये न्यू लीव है ग्रीन, और उस पर भी छोटी छोटी ग्रोथ हो रही है। रेड रेड डॉट्स मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, एक फ्लावर की तरह शेप ले ली है इन लीव्स ने। और वाटरिंग की बात करें तो मैं पानी कभी कभी देती हूँ इसमें, तब इसकी सॉइल बिल्कुल सूख जाती है, तब मैं थोड़ा बहुत पानी इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी पूरी अपडेट, 2 मंथ्स की अपडेट है पूरी इस वीडियो में। जो डॉट्स थे फ्लावर की शेप में, ये देखिए कितना क्यूट, कितना सुंदर लग रहा है ये कैक्टस। बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बुशी भी हो गया है बहुत। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरी तरह कैक्टस ग्रो कर सकते हैं घर पर। फ्रेंड्स, दिस कैक्टस नीड्स ओनली सनलाइट एंड ओपन एनवायरमेंट, no care, no fertilizer. Thank you for watching my video. Like and subscribe for more updates and videos. Thank you.